ठीक है, आज हम लोग देखने वाले फ्लूट। ठीक है, एफएक्स पे जाओ। एफएक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है फ्लूट। फ्लूट में आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे लाइक 2D कंटेनर एंड 3D कंटेनर। ठीक है, 2D 3D आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो भी हम लोग काम करते हैं, फ्रंट पे गए, क्या करें, ग्रिड को ऊपर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अभी देखो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्ले किया। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे प्ले करने में देखो, ये मेरा पार्ट है, ये फ्लूट यहाँ पे देखेगा, दिस इज कॉल्ड आउटलाइनर। जिसको पता ना वो यहाँ से क्लिक कर लेगा तो आपको आउटलाइनर मिल जाता है। देख रहे हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आउटलाइनर वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे क्या। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इस मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे दिस इज आवर फ्लूट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, मेरे पास स्टूडियो 3D में ऑल्ट वी प्रेस कर दिया। यहाँ पे 2D दिख रहा है, 2D जहाँ पे मुझे लगता है एक एंगल पे काम करना है, हम लोग 2D यूज कर लेते हैं एक ही एंगल के। जहाँ पे मुझे लगता है 3D पे काम करना है तो मैं 3D यूज कर लूंगा। ठीक है, फ्लूट पे गए, यहाँ पे फ्लूट को प्लस को माइनस करना, एमीटर को पकड़ना, नीचे ले आना। ये इसका एरिया, वर्किंग एरिया यही है। जैसे यहाँ पे गए 3D वाले पे गए, 3D वाले के मैंने एमीटर को पकड़ा, मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या काम करना है, जस्ट क्लिक एंड प्ले। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रिड ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी यहाँ क्रॉस करो, यहाँ पे कैसे बेसिक से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैं रेंडर करके देखूँ, आर्नोल्ड पे माय सॉफ्टवेयर, दिख रहे हैं। अभी यही चीज़ को मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। मैनेज कैसे करूँ, देखो वन बाय वन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ को सेट किया, सिंपल सा पार्ट, एक एक पैरामीटर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे अभी क्या होता है, हम लोग जब 3D मॉडलिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग में क्या होता है कि हम लोग को लाइक किसी चीज़ को डेप्थ दिखाने के लिए हम नॉर्मल मैप यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, बम्प मैप और नॉर्मल मैप में क्या डिफरेंस होता है, जैसे 2D 3D वाला काम होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, ये 2D 3D वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं चीज़ को दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये भी 3D है, इसमें क्या वॉक्सल बेस होता है क्या, जैसे पिक्सल आपने सुना होगा, फोटो में पिक्सल होता है, पिक्सल मतलब 2X एंड Y, 2 एक्सिस है ना, वॉक्सल मतलब X, Y एंड Z। ठीक है, तो ये वॉक्सल बेस है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे पहले फ्लूड एंड दूसरा फ्लूड शेप, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, कीप वॉक्सल स्क्वायर, वॉक्सल पता चला यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना है, बेस्ट रेजोल्यूशन 10 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 100 करने पर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ग्रेड बढ़ा गया यहाँ पे। ठीक है, प्ले करो आप यहाँ पे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, चीज़ थोड़ा सा बेटर भी दिखेगा बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता भी चलेगा कि चीज़ मेरे पास है क्या। देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ रेजोल्यूशन कम है, जैसे हमने पहले टेक्सचर पे भी देखा, लाइटिंग में भी देखा, रेजोल्यूशन कम होगा तो वहाँ पे क्वालिटी कम होगी, रेजोल्यूशन बेटर होगा तो वहाँ पे क्वालिटी बेटर दिखेगा। ओके, ये पार्ट हमने यहाँ पे देखा। अभी देखो, ये 3D दिख रहा है यहाँ पे, ये 3D नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए दोनों में सेम काम होता है, लेकिन ये एक एंगल के लिए ही काम करे। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट पे कर दिया, मुझे फ्रंट पे दिखाना तो मैं यहाँ पे ये काम यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा सीन में लाइक फाइल हल्का भी रहेगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया कहीं घर पे दूर से कि एक सामने से आग लगी हुई, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने मुझे अगर मेरा कैमरा कल ऐसे से ऐसे जाना है तो मुझे ये यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बेस्ट रेजोल्यूशन किया, बेस्ट रेजोल्यूशन करने के बाद यहाँ पे मेरे साइज़ है, यहाँ पे साइज़ देख रहे हैं, साइज़ किसका है, ये साइज़ है, साइज़ को मैंने यहाँ पे 10 यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या 20 टैब 20 देख रहे हैं भाई, साइज़ बढ़ा गया इसका। ओके, यहाँ देखो इसमें क्या है, 10 10 10, इसको भी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट यू वांट, यहाँ पे मैं कर रहता हूँ, मैंने क्या 20 देख रहे हैं यहाँ पे, 20 और 10 रहने देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 20 करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया, मैं यहाँ पे वाई है इसको मैं 40 50 कर सकता हूँ। ये देखो स्ट्रेच दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस से स्टार्ट करेंगे तो वापस से वो वहाँ से स्टार्ट होगा। और देखो आपको ये पाइवट कहाँ, जैसे बीच का जो सेंटर पॉइंट है, मीटर कहाँ है, यहीं पे है। ठीक है, तो ये काम हम लोग जब करते हैं तो हमारी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लूट पे गया, फ्लूट पे मैंने 3D कंटेनर लिया, यहाँ पे 3D कंटेनर में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन देखता है, तो ये आपकी प्लानिंग पहले से हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा 20 टैब, यहाँ पे मैंने कर दिया 60। ठीक है, एंड 20। ठीक है, X, Y एंड Z यहाँ पे रेजोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, रेजोल्यूशन को यहाँ पे नहीं, ये साइज लेता हूँ, यहाँ पे मैं 60 करता हूँ। ठीक है, 10 10 यहाँ पे, ओके
इसको मैं इक्वली रहने देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 50 टैप 50 एंड 10 50, ठीक है। एमीटर में आपका एमीटर अलग अलग मिलेगा, जैसे हमने पहले एमीटर देखा, एक आपका ओमनी है, दूसरा आपके क्या वॉल्यूम है, आप दोनों में से कोई ले सकते हो। अभी पहले ओमनी देखा था, अब हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। अप्लाई एंड क्लोज ये देखते हैं, देखा यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो मैंने अब देखा सेप में बस कैसा है, कितना बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 40 अराउंड, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, रेजोल्यूशन पे यहाँ पे किया, ठीक है, 50 टैप 50 एंड यहाँ पे, ये भी आपका काम आएगा, ठीक है। फॉर ए टाइमिंग मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड को ओपन किया मैंने, एमीटर पे गया नीचे करने पे। अभी मैंने आपको बेसिक सेप बताई, बेसिक सेप में मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फ्लूइड एमीटर पे गया। एमीटर में देखो यहाँ पे डेंसिटी दिख रही है, यहाँ पे ये डेंसिटी, ये आप देखोगे किसी भी चीज़ को अगर आप मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी दिख रहा है यहाँ पे, तो डेंसिटी में आकर मैंने कर दिया 2। हीट है, हीट को मैं बढ़ाऊंगा, हीट जब मुझे फायर बनाना होगा, ठीक है। फ्यूल जब उससे रिलेटेड मुझे कोई फायर बनाना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। फ्लूइड पे गया, फ्लूइड पे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बाउंड्री है। बाउंड्री यहाँ पे काम क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखो अभी ऊपर टकरा के होल्ड हो गया, ठीक है। कौन सा ये पार्ट है, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ब्लू आपका जेड है, रेड आपका एक्स है, तो ऊपर वाला कौन सा, वाई। अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, नन कर दिया, तो चेक करो यहाँ पे, अभी पहले वहां पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर चला गया। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, नन कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस वाई कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई साइड किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए, ओके। अभी यहाँ से कुछ अलग इम्पैक्ट आ रहा है। अभी आपने थॉर मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या नीचे से ऊपर जाके स्पार के कुछ भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, इस टाइप की कोई चीज़ मुझे देखना, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मुझे इस टाइप का कोई इफेक्ट दिखाना है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। जितने भी एवेंजर्स मूवी है, उस टाइप के शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे कंटेंट्स मेथड है यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी है यहाँ पे, देखो डेंसिटी में ग्रिड है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे इन सब चीज़ को एक एक आपको प्ले करके देखना है कि मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक ग्रिड में क्या काम कर रहा है यहाँ पे। वैसे डायनेमिक ग्रिड रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी हैं। डिस्प्ले पे गए, अभी यहाँ पे कैसे दिखना चाहिए, एज रेंडर, ठीक है। डेंसिटी देखो, डेंसिटी में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर में ऐसा दिख रहा है। टेम्परेचर मैंने कुछ दिया नहीं है, टेम्परेचर दिया क्या, यहाँ आ जाओ। टेम्परेचर में अगर मैं देखो यहाँ पे, मुझे यहाँ से भी कुछ मैनेज करना पड़ेगा हीट एंड टेम्परेचर पे, और नीचे से मैनेज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे तब देखिएगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। कोलिजन देखो यहाँ पे, कोलिजन पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ देखो यहाँ पे दिखेगा कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, एज रेंडर रखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, ठीक है, स्लाइस पर वॉक्सल, इनको आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या, वॉक्सल फास्टर है, ठीक है, फास्टर रखना है यहाँ पे, बेटर करने के लिए आप क्वालिटीज को जब बढ़ाओगे तो बेटर कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या, बाउंड्री ड्रॉ बॉटम, यहाँ पे नीचे बॉटम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे मैं नीचे कुछ दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, नन कर दिया। अभी कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो आपको बाउंड्री नहीं दिखेगा, आपका इम्पैक्ट वही देगा लेकिन बाउंड्री नहीं दिख रहा आपको। अभी ये चीज आप यहाँ पे सिंपल से चीज़ों को आप दिखा सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाउंड्री पे यहाँ पे नन कर दिया, बॉटम करना है बॉटम कर दो, रिड्यूस करना है तो ऐसे भी दिखा सकते हो। प्रॉपर आउटलाइन देखो, अंदर देखा छोटे छोटे प्लस प्लस फुल, ये देखो ऐसा होता है। अभी अंदर पूरा दिखता नहीं है, हम लोग ऑफ करके रखते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, बाउंड्री, ये बाउंड्री बॉक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक डिस्प्ले, आपको डेंसिटी करना है, डेंसिटी देखो, देखना भाई डेंसिटी में न्यूमेरिक डिस्प्ले, जो नंबर वाले डिस्प्ले आपको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे फ्यूल, ओके, ऑफ रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ओके। चाहिए तो अगर कोई कहता है कि मुझे नंबर्स कितने यूज़ हो गए, कितने पार्टिकल्स यूज होगा, वो हो गया। वायर फ्रेम डिस्प्ले पार्टिकल्स, ठीक है। डेंसिटी सिमुलेशन, अभी यहाँ पे क्या, ग्रेविटी है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए,
ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, ग्रेविटी 9.8 है, ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस करके देखें यहाँ पे क्या यहाँ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नीचे आके क्या बंद सा हो गया। अभी आपको याद है अगर मैंने अपने एमीटर को पकड़ा, ओमीटर को ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मुझे ऊपर से नीचे लाना है तो ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे। अभी सोचो यहाँ पे ऐसा क्यों जा रहा है, आपको याद है, फिर हम पीछे वाले पे जाएंगे वापस, मुझे ऊपर से नीचे लाना है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नीचे क्या जेड है, पाई साइड करके देखेंगे यहाँ पे जेड साइड, तो ये फिर कनेक्टिविटी में यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे जेड पे काम कर रहा है नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, बोथ साइड करके देखें यहाँ पे, तो बोथ साइड पे क्या कुछ काम करता है नहीं करता है यहाँ पे, कुछ खास नहीं है ना। यहाँ पे मैंने नन किया, बोथ साइड करके देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे, ओके, बोथ साइड किया, माइनस जेड करके देखते हैं यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा प्ले करके देखना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या काम करता है, देखें यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया, माइनस जेड किया तो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अगर मैं कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ तो मुझे प्ले करना पड़ेगा, ये ऐसा ना कि नहीं कि सब कुछ मैं ही आपको एक्सप्लेन करूँ, यू हैव टू प्ले विद योर पैरामीटर, पैरामीटर ही है, इस पैरामीटर के साथ आप प्ले करोगे तो बहुत अच्छे निकाल लोगे। अभी करना क्या, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है, लाइक विस्कोसिटी को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट उन वर्ड्स को समझो, वर्ड्स को समझ में नहीं आता तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, ये साइंस से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने विस्कोसिटी मैंने बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो, ऊपर से अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैं बस एमीटर है, एमीटर में मैंने डेंसिटी है, डेंसिटी को मैंने कर दिया 5, देखना पे ओके, अभी वापस आते हैं फ्लूइड पे, ओके, हम लोग फ्लूइड पे आ गए, फ्लूइड पे हमने क्या क्या चीज काम किया, फ्लूइड है, फ्लूइड 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 यहाँ पे फ्लूइड पे हम लोग देखते हैं फ्लूइड शेप्स, ठीक है, विस्कोसिटी है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब लाइक काइंड ऑफ किस टाइप से जब चीजें टकराती है तो किस टाइप का फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, डैम्पिंग किस टाइप से घिसावट होगी, वो सारा पार्ट यहाँ पे, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्ले करके देखो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। अभी इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपको ये बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा प्ले करना है लाइट एंड कलर के साथ, ठीक है, स्विच करते हैं नीचे सॉल्वर, आ जाओ नीचे आ जाओ, यहाँ पे ऑटो रिसाइज है, अभी मुझे नीचे से टकराना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर ऑटो रिसाइज कर दूँ, ऑटो रिसाइज में क्या होगा, वो जहाँ पर जाएगा अपने आप रिसाइज होता जाएगा, आपको ऊपर बाउंडिंग बॉक्स की नीट नहीं पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैं फायर बनाना है, फायर दिखाना है, तो फायर में ऊपर अपने आप चलता जाए तो ऑटो रिसाइज में कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हैं ऑटो रिसाइज मैंने ऑफ किया यहाँ पे, तो ये भी पार्ट है मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें और भी बेटर मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, इसको भी यूज़ करके देखोगे आप यहाँ पे, यहाँ देखो कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे कंटेंट डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, देखो ये आपके इतने सारे पैरामीटर मिलेंगे, इनको वन वन करके आपको प्ले करना है। बायोन्सी है, बायोन्सी को देखो यहाँ पे, बायोन्सी यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे बायोन्सी को मैंने कर दिया 5, ठीक है, डेंसिटी स्केल है, डेंसिटी स्केल के मेरे पास यहाँ पे मैंने कर दिया 2, तो अभी यहाँ पे इन सब चीज़ को देखो, डेंसिटी स्केल साथ कुछ अलग हुआ यहाँ पे, किस टाइप से काम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे बायोन्सी मैंने 1 किया, डिस्पर्जन है, डिफ्यूजन है, प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ाओ, प्रेशर को बढ़ाने से कुछ हो रहा है यहाँ पे, अभी ये सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है, किस चीज़ पर अगर हम लोग प्रेशराइज करें तो यहाँ पे कैसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अभी इन चीज़ का थोड़ा सा मैनेज करोगे, जैसे मैंने क्या किया, थोड़ा सा नॉइज बढ़ाया, टेंशन थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ पे, कुछ कुछ चेंजेस दिखेगा आपको, ठीक है, ये पार्ट आपको दिखना है, चलो हमने ऐसा कुछ किया, किस टाइप से हमें काम करना है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको टेंशन फोर्सेस ग्रेडियंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे और चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आप यहाँ पे क्या करते हो, स्विल आपने किया पे, इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, स्विल है, स्विल के साथ नॉइज है आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा और बेटर दिखने लगेगा यहाँ पे,
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा आपको व्हाइट फॉग जैसे ही देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सरफेस शेडिंग। शेडिंग में मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे पास कलर है, कलर को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कलर हो गए, चेंज हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है। कलर को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, यहाँ पे मैंने येलो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा आपको, यहाँ पे लीनियर स्मूथ, देखें यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे पास यहाँ पे क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, मैं ग्रेडियंट के साथ मेरे पास इम्पैक्ट किया है, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ पे स्मूथनेस दिखा, मैंने यहाँ पे ठीक है ऐसे चीज़ों को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो होल्ड करके चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ये लीनियर, ये स्मूथ ग्रेड में दिख रहा है आपके पास यहाँ पे कि किसमें क्या इम्पैक्ट है, ओके। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। ग्लो इंटेंसिटी है, ग्लो के साथ आप प्ले कर सकते हो। तो जस्ट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा प्ले करना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकंडेंस है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज किया। जैसे मैंने यहाँ पे इसे क्रॉस किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे देखना यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट बायस इसी के साथ काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ अगर मैंने यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे, यहाँ पे इनके साथ मैं कॉन्स्टेंट एक्स ग्रेडियंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को आपने मैनेज किया था आपको यहाँ पे, जस्ट यू नीड टू प्ले विद योर पैरामीटर्स, ठीक है। आप यहाँ पे आपको ये दिखेगा यहाँ पे आपको कैसे क्या काम करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। तो मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर लेना है तो मैं आप चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, भाई मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है तो मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये इनके पैरामीटर्स हैं बहुत सारे, इनको आपको देखना है, प्ले करोगे, प्ले करते करते आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनके साथ आपको ये भी देखना है कि लेकिन मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊं कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। कलर्स आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर नन, ये आपके पास ये पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया वाइट, बाकी को मैंने क्रॉस बंद कर दिया, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ क्या कॉन्स्टेंट, ठीक है, इनको वन बाय वन करके आपको प्ले करना है तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ आपके यहाँ पे देखेगा। अभी टेम्परेचर पे यहाँ पे कॉन्स्टेंट करो यहाँ पे, ये सब चीज़ आपको एक बार प्ले करना है तो यहाँ पे आपको चीज़ों को देखने को मिल जाएगा भाई किस पे मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ और क्या चीज़ें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ओपेसिटी है, ओपेसिटी में क्या काम करने वाले, तो यहाँ पर ओपेसिटी दिख रहा है, ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये ग्राफ निकल के आता है बाहर, ठीक है। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी क्या, जब हम लोग इसके बेसिक्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो हम ये चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगे। यहाँ पर मैट ओपेसिटी है, मैट ओपेसिटी में क्या काम होता है यहाँ पे चेक करो यहाँ पे, ठीक है। शेडिंग एंड क्वालिटी है, शेडिंग क्वालिटी के साथ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आपके पास लाइटिंग का वाटर, लाइटिंग में सेल्फ शट ऑन करो तो थोड़ा डेप्थ दिखेगा, देखना यहाँ पे हार्डवेयर, यहाँ पे हार्डवेयर शट यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखाना है, कैसे मैनेज करना है, आप इन चीज़ों को देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो सेल्फ शट में यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करते देखना है कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं अप डाउन करूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट है, जेड ग्रेडियंट है, कॉन्स्टेंट एक्स ग्रेडियंट दिख रहा है यहाँ पे, और वाई ठीक है। ऐसे में किसी चीज को मैं प्ले करके दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी सेम चीज़ मैंने ऊपर से लेकर नीचे ले गया तो मैंने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैनेज कैसे करेंगे ये देखा यहाँ पे, चीज़ें इतने सारे हैं जिनको आपको थोड़ा यहाँ पे देखना है। आपको देखना है यहाँ पे लाइटिंग, लाइट ब्राइटनेस ऑल्ट बी कर लेना पे ताकि आपको बैकग्राउंड में अच्छा दिखे, ठीक है। लाइट ब्राइटनेस है, आप कितना कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर भी मैंने कम किया यहाँ पे। अभी यहीं से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, देखो देखा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइट कलर का मैंने मैनेज कर दिया। अभी इन्हीं के साथ हमें चीज़ों को कुछ दूसरे में भी हमें दिखना स्टार्ट हो गया, ओके। अभी यहाँ से मैंने क्या कि चलो मैंने ऊपर से लेकर नीचे किया, ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे।
ओके अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे क्या पार्ट है, एम्बिएंट डिफ्यूजन, एम्बिएंट ब्राइटनेस, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। रेंडर स्टेट है, रेंडर स्टेट में यहाँ पे देखो, रेंडर स्टेट में आपको आप पिछला देख सको आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। अभी ये जस्ट आपको थोड़ा पैरामीटर साथ आपको प्ले करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे इस पर मैंने यहाँ पे क्या बोस्ट साइड कर दिया यहाँ पे, और जो मैंने नीचे किया था ग्रेविटी को, ठीक है, चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऊपर तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर तरफ जा, तो मैंने यहाँ पे क्या ऑटो रिसाइज कर दिया, तो इसका एंड नहीं होगा, ठीक है। इसी में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बस यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने काफी चीज़ को ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐड ऑन करने के टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूंगा। हीट, हीट कितना, हीट को मैंने कर दिया 2, ठीक है। इनको इंक्रीज करोगे तो आपको बस और भी चीज़ें दिखेंगी क्या, कि मेरे पास चीज़ें क्या हैं। तो अभी जस्ट यू नीड टू प्ले विद दिस पैरामीटर, थोड़ा सा प्ले करो, आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें क्या है, लिक्विड पे काम करो, लिक्विड पे जाओगे, ऑटो साइज देखा हमने यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ एट्रैक्शन अभी नीड नहीं है, कंटेंट में यहाँ पे डेंसिटी पे आप इसको लेके प्ले करो, किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आप देखो यहाँ पे कौन से एक्सेस में जा रहा है, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, अभी यहाँ पे देखो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अगर मैंने ऑटो साइज किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, ओके, बाकी चीज़ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है,